इसमें थाना गोपालगंज एवं थाना मोती नगर के द्वारा जो लुटेरों को एवं चोरों को पकड़ने या गिरफ्तार करने की कार्रवाई की हुई है उसके संबंध में ये जानकारी दे रहा हूँ। एक विगत कुछ दिनों में 2-3 लूट की या लूट के प्रयास की घटनाएं जो हुई थी उसमें थाना गोपालगंज की टीम ने 4 आरोपियों को पकड़ी पकड़ लिया है। 4 आरोपियों के द्वारा विगत 3-4 महीने में ये तीसरी घटना थी। 3 घटनाओं से अभी तक वो लगातार फरार थे, अज्ञात थे। इन सब की शिनाख्त करके इन पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक घटना गोपालगंज की है जो 19 जनवरी की है, दूसरी गोपालगंज की है जो 18 मई की है, और एक सानोला थाने की है जो 19 मई की है। इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही साथ गोपालगंज ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 8 बाइक जब्त की गई है, और उम्मीद है कि इसके अलावा भी अन्य बाइक जो चोरी गई हैं उसका भी पता चलने की पूरी संभावना है। मोतीनगर पुलिस ने एक चोर का गिरोह का खुलासा किया है जिसमें अभी तक 4 व्यक्तियों की तथा साथ ही साथ 3 जो अंडर एज लोग हैं, 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इसमें शामिल आता अपराध में शामिल थे, उनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है। इस पूरी जो घटनाक्रम में चोरी किया गया लगभग 11 लाख रुपए का मशरूम का बरामद हुआ है, और इसमें भी अन्य वारदातों में इनका क्या रोल है, किसी अन्य वारदातों में शामिल है तो नहीं अपने ज़िले की या बाहर के ज़िलों की, उसकी भी जाँच की जा रही है। मामला ज़रूर ध्यान में हमारे आया था कि एक महिला जो है जिसने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, शादी करने के बाद वो जो ससुराल पक्ष से जो आभूषण मिले या कुछ पैसे हैं वो सब एकत्रित करके वहाँ से गायब हो गई है। ऐसी एक महिला तथा उसके साथ ही एक अन्य महिला जो उसकी माँ बताई जा रही है, इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, और इसमें अन्य घटनाओं से या पुराने जो इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनके बारे में पता करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।